अयोध्या समेत पूरे उत्तर प्रदेश में इस वक्त कोहरे की मार है, ठंड बहुत ज्यादा हो गई है और अयोध्या का तापमान इस वक्त 7 से 8 डिग्री बताया जा रहा है शीतलहर की चपेट में। न सिर्फ अयोध्या बल्कि उत्तर भारत के कई और शहर भी आ गए हैं। यूपी के अधिकतर जिलों में तो फिलहाल खून जमा देने वाली सर्दी ने हाल बुरा कर दिया है। अयोध्या में ठंड और कोहरे ने सितम ढाया हुआ है और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए राम की पैड़ी शाम के वक्त आप खूबसूरत तस्वीरें यहाँ रोशनी से सराबोर ये राम की पैड़ी नजर आती है। मंत्रोच्चारण आप सुन पा रहे होंगे क्योंकि इस वक्त हम राम की पैड़ी में मौजूद है, लेकिन तस्वीरें आपको साफ तौर पर नजर नहीं आ रही होंगी। आई लव अयोध्या, ये वही स्पॉट है जहां से हम आपको लगातार खबरें दिखाते हैं, लेकिन चारों तरफ घाट की तरफ अगर हमारे वीजे दिखा पाए तो वहां भी आपको पूरा कोहरा नजर आएगा। गायब हो गया इंडिया गेट, अक्षरधाम मंदिर भी गुम, नजर नहीं आ रही गगनचुंबी इमारतें, सड़कें फ्लाईओवर सब धुंध धुंध। दिल्ली एनसीआर में मौसम का अंधाधुंध, पिछले करीब 3 दिनों से कंपकपाती ठंड और कोहरे दिल्ली वालों के लिए मुसीबत बन रहे हैं। हड्डियों को गलाने वाली ठंड से लोग बेदम हो रहे हैं, दिन भर हीटर और अलाव का सहारा ले रहे हैं। दिल्ली का कोई भी इलाका हो, यहाँ रफ्तार से बातें करने वाली गाड़ियाँ रेंगती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन मौसम विभाग की ओर से आज राहत भरे संकेत हैं। आईएमडी की माने तो आज से दिल्ली की सर्दी में थोड़ी कमी आएगी। इसका ट्रेलर तो बुधवार को दिन में दिखा, जब कई दिनों के बाद सूर्य देवता के दर्शन कुछ घंटों के लिए लोगों को हुआ। मैदानों में सर्दी का आलम यह है तो पहाड़ों पर जहाँ माइनस में तापमान है आप अंदाजा लगा सकते हैं। जम्मू कश्मीर में तो सर्दी का आपातकाल चल रहा है, उत्तराखंड और हिमाचल में भी कमोबेश हालात ऐसे ही हैं। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आने वाले अगले कुछ दिन ठंड और शीतलहर और बढ़ने वाली है, मतलब आने वाले दिनों में खून जमा देने वाली ठंड का सामना अभी कुछ दिन और करना होगा। तो देखिए